नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल शॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी लगातार भागता ही चला जा रहा है। ऐसे में इस कंपनी के साथ करना क्या चाहिए, इस कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, कब आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। आप देखेंगे यह कंपनी 19 पैसे का हुआ करता था और 3.60 रुपये का इस कंपनी ने अपना हाई बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में डिटेल देखें तो इसमें हमने डेली चार्ट लगा रखा है। अगर डेली चार्ट पे इस कंपनी के डिटेल की बात करें तो इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो 3.20 रुपये का निकल कर आता है। अगर यह कंपनी क्लोजली में सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगा तो अच्छी बात है, हालांकि करना नहीं चाहिए क्योंकि यह कंपनी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। इसका RSI 94 पहुंच चुका है और जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि 92 से लेकर 95 के बीच में अगर RSI जाता है तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इंटर किए हैं उन्हें 50% की प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो आप चाहे तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखा है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आप देखेंगे 20-20 में इस कंपनी में छोटा मोटा करेक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि यह कंपनी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है तो इसमें एक करेक्शन भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा और हो सकता है कि यह करेक्शन आपको कल के कल देखने को मिल जाए। इसीलिए शॉर्ट टर्म वाले अपनी प्रॉफिट को थोड़ा सा सेव करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपनी प्रॉफिट थोड़ा सा सेव कर लें, बाकी को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि 50-50 आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज 60-40 भी कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग अपना बैलेंस कर सकते हैं। कि अगर इस कंपनी में करेक्शन स्टार्ट होता है तो यह कंपनी 2 रुपए के पास तक जा सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई किए हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस कंपनी को, और जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं इस कंपनी में पहले एक करेक्शन आ जाने दें, उसके बाद इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि इस कंपनी में करेक्शन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है तो आप चाहे तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस कंपनी को करेंट प्राइस पर भी बाई करके चल सकते हैं, अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।